नगरूल है डिवाइडेड बाय ए। देखो अब तक अपने 2 का पढ़ा था, फिर अपने 3 का, 4 का, फिर 5 का, 6 का, 7 का, अब नेक्स्ट इज 8। 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि 8 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं ये पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो रूल है अपना थोड़ा 4 से सिमिलर है। जैसे 4 में क्या करते थे अपन, वंस पहले स्मॉल 100 यानी कि डिजिट और 100 पहले सॉरी टेंस लेते थे। तो इसमें देखो अपन क्या करते थे, जैसे 512, ठीक है, तो इसमें वंस पहले लेते थे और टेंस पहले लेते थे। ये तो अपना जो और इससे जो नंबर बनता था उसको अपन डिवाइड करके देखते थे 4 से डिवाइड है या नहीं। और जैसे 12 है 4 से डिवाइड है, तो ये जो अपन को पता लग जाता था कि ये 512 है, ये 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन जो 8 है इसमें थोड़ा सा इसमें ये इतना सा फर्क है इसमें कि जैसे 15 ये है 1512, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वंस पैलेस भी आ रहा है, टेंस पैलेस भी आ रहा है और हंड्रेड भी आ रहा है। देखिए इसमें देखो वंस और टेंस ही आ रहा था, है ना, और इसमें आएगा वंस, टेंस और हंड्रेड, ठीक है। वंस, टेंस और हंड्रेड से मिलके जो नंबर बनता है उसको अपन को किससे डिवाइड करना है, 8 से, ठीक है। इसमें क्या करना होगा अपन को, वंस, टेंस और हंड्रेड इन 3 से जो डिजिट मिलके, 3 जो अपने डिजिट मिलके जो नंबर बनाएंगे, क्या बना नंबर, 512, ठीक है। इस 512 को अपन को 8 से क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। तो देखो 8 का अपन टेबल बोलेंगे तो क्या होगा, 8 6 48, ठीक है, 8 6 क्या होगा 48। तो देखो कितना, देखो यहाँ पर 1 से 1 है और 8 है, सबट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना सबट्रैक्ट। तो इसके जो जो इसके जो नियर वाला जो डिजिट है उससे अपन को कैरी लेना होगा, ठीक है। अब देखो ये नियर वाले से कैरी लेंगे तो ये वाले से 1 ले लिया, तो देखो क्या हुआ, ये 11 बन गया, ठीक है। अब 11 में से 8 सबट्रैक्ट हुए तो क्या आएगा, 3, ठीक है। 4, 4 में से 4 गए तो 0। नेक्स्ट जो अपना जो नंबर है वो क्या है, सॉरी डिजिट है वो क्या है, 2। तो अपना जो नंबर क्या बना, 32 बन गया नंबर। नंबर क्या बना अपना, 32। अब 8 की टेबल बोलेंगे तो देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो 32 देखो 2 में से 2 सबट्रैक्ट हुए 0, 3 में से 3 सबट्रैक्ट हुए 0, ठीक है। तो क्या आया, ये जो पूरा नंबर है वो 8 से सबट्रैक्ट हो गया, रिमाइंडर क्या आया, 0। अगर देखो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो 8 से क्या होगा, डिजिबल होगा। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो डिजिबल होगा नंबर, ठीक है। नंबर चाहे कितना ही बड़ो, अपन को तो केवल इतना सा काम करना है। देखो शायद नंबर कितना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो काफी बड़ा नंबर हो गया ना। इसमें भी अपन को क्या करना है कि वही वंस, टेंस और हंड्रेड, वंस, टेंस और हंड्रेड लेना है और चेक करना है कि इससे डिजिबल है या नहीं। तो इसको चेक करते हैं है या नहीं, देखो 684, ठीक है, सही बनेगा नंबर 684। देखो वंस, टेंस और हंड्रेड से मिलकर जो नंबर बनता है 684। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, ठीक है। देखो 8 से क्या होता है, 64, ठीक है, 8 8 64 होता है, रिमाइंडर क्या हुआ, 4 4। अब देखो ये 8 6 क्या, 8 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, 4। रिमाइंडर 0 आया है क्या यहाँ पे, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया था, 0, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 4। इसलिए क्या है, डिजिबल नहीं है, किससे डिजिबल नहीं है, 8 से डिजिबल नहीं है। देखो अपने दोनों एग्जांपल हो गए, इस एग्जांपल से अपन को पता चला कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये 8 से डिजिबल होगा, और इस एग्जांपल से अपन को पता चला अगर रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो ये 8 से डिजिबल नहीं होगा। थैंक यू।